अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई, क्या हाल चाल है। मुझे ना तकरीबन वक्त बताया, जब मैंने ना आपसे पहले रब्ता किया, मुझे ना ख्वाब आया और मैंने देखा। मैंने आपसे पहले बयान भी किया था ख्वाब को। मैं क्या देखता हूँ कि पहले एक बार पहले मुझे ख्वाब आया था कि मैं देखता हूँ सूरज मगरिब से तुलू हो रहा है। मैंने ना वो देखा, उसके बाद फिर अगली रात फिर ही मैं नमाज पढ़ के जब इशा के सोया तकरीबन मुझे फिर ख्वाब यही आया कि सूरज मगरिब से तुलू होता है और पूरी एक बार अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है। तो सूरज के तुलू होने पर अंधेरा होता है, अंधेरा हो जाता है और बाद में ना एक रोशनी निकलती है। वो रोशनी पाकिस्तान से निकलती है, वो पूरी दुनिया पर फैल जाती है। और वो जो सूरज मगरिब से तुलू हुआ था फिर मशरिक से तुलू हो रहा है और सही अपने रास्ते पर चल रहा है। मैं ये देखता हूँ ऐसे ही चलता रहा। मैंने देखा फिर वो ऐसे ही ना एक दो बार आया मुझे। उसके बाद मैंने ना आपको यूट्यूब पर देखना शुरू किया और आपने दुआ इस्तखारा के कहा और मैं पढ़ता रहा। एक बार मुझे ख्वाब में आया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दूर से हैं, कि कोई आवाज़ देते हैं बस, लेकिन ना उनकी मैं चेहरा देख सका, लेकिन एक है कि मेरा लूँ लूँ हाथ पाँव हर चीज़ गवाही दे रही थी कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। उनके सामने सर ना उठा पाया, मेरा ना इत्मीनान हो गया, अभी मोहम्मद कासिम ही इमाम महदी हैं। ये मेरे दिल में पुख्ता बात आ गई। बाकी उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नहीं कहा कि ये इमाम महदी हैं, या मेरे दिल में पुख्ता बात होगी। बाद में ना मुझे जैसे शैतान बंद आदमी जो हुआ, शैतान ने वसवसे डाले, फिर मेरे आहिस्ता 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 मेरे दिल में आने लगा, हो सकता है कि ये ऐसा ना हो या क्या वो सही कह रहा हो या ऐसा ना हो। ऐसे फिर कल रात माशाल्लाह मुझे ख्वाब में आया, मैंने सही मोहम्मद कासिम को देखा और यकीन के साथ मैं आज कह रहा हूँ, खुदा की कसम और यकीन के साथ कह रहा हूँ कि इमाम मोहम्मद कासिम इमाम महदी। ये वाज़े क्लियर हो गया मुझ पर।